मध्य प्रदेश में सशक्त होगी पुलिस परिवारों की बेटियां, पुलिस जवानों की बेटियां। पत्नी बेटियों को सशक्त करने के लिए कमेटी बनी है। अफसरों की पत्नियां करेंगी धरती अभियान की शुरुआत। अभियान के लिए 3 स्तर पर कमेटी बनेगी और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं इसके लिए। मध्य प्रदेश में पुलिस जवानों की पत्नियां भी सशक्त बनेंगी, बेटियां भी सशक्त बनेंगी। पत्नी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कमेटी बनी है। अफसरों की पत्नियां करेंगी धरती अभियान की शुरुआत। क्या है ये अभियान, क्या खासियत होने वाली है वो हम जानेंगे। और सीधे हमारे सहयोगी विवेक पांडे का हम रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या है ये धरती अभियान, क्या कुछ खासियत इसकी रहेगी? देखिए सुमित, मध्य प्रदेश में करीब 2.5 लाख पुलिस कर्मी हैं और उन पुलिस कर्मियों के लिए लगातार पुलिस मुख्यालय काम भी करता रहा है। अब एक नए अभियान के तहत उन्हें सशक्त किया जाएगा। खास तौर पे पुलिस अफसरों की पत्नी और बेटियों के लिए पूरा कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अधिकारियों की पत्नियों की कमेटी एक बनेगी जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। खास तौर पर उन पुलिस जवानों की पत्नियाँ और बेटियों को शामिल किया जाएगा जिनके पास बेहतर हुनर है और उसी हुनर को तराशने का काम पुलिस अधिकारियों की पत्नी करेंगी। मध्य प्रदेश में धरती अभियान के तहत इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश भर में 3 स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। जिला स्तर पर एसपी की पत्नी उसमें होंगी और जोनल स्तर पर आईजी और पुलिस मुख्यालय जो पीएचक्यू है, पीएचक्यू के स्तर पर डीजीपी की पत्नी उसकी प्रमुख रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे प्रदेश भर में टैलेंट सर्च अभियान के तहत इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी पुलिस विभाग की जो विभाग में जो पुलिसकर्मी है उनकी पत्नी या बेटियां जो भी उत्पाद बनाती हैं उसे पचमढ़ी में बेचा जाता है और इसका एक सेंटर भोपाल में खोलना प्रस्तावित है। उनके हुनर को बेहतर तरीके से पहचान देने के लिए पूरा धरती कार्यक्रम रखा गया है और इसकी शुरुआत 20 नवंबर के बाद से हो जाएगी, क्योंकि 20 नवंबर तक सभी को प्रपोजल भेजना है और पुलिस के परिवार में बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये पूरा कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। खासतौर पर यह कहा है कि 20 नवंबर तक पूरे प्रपोजल भेज दिए जाए, जिसके तहत बजट और कोई और भी कोई दिक्कत है तो की सुनवाई डीजीपी खुद कर सके और पूरे प्रदेश भर में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस परिवारों की बेटियां और जो महिलाएं हैं वो अपने उत्पाद तैयार करेंगी, क्या इसमें स्वसहायता समूहों की भी कोई भागीदारी होने वाली है, कोई महत्वपूर्ण काम उनका भी रहेगा? विवेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धरती अभियान के बारे में आपने बताया, स्वसहायता समूह की भूमिका के बारे में भी बताइएगा जरा। देखिए, इसमें स्वसहायता समूह भी बनाए जाएंगे। उसके पीछे की वजह है कि पुलिस के लिए कभी खाना, कभी और भी सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को वो किस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकती हैं वो एक सर्च अभियान रहेगा और उसमें बड़े स्तर पे ये पूरी कवायद की जा रही है पूरे प्रदेश भर में। छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे, कहीं पर पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर में जब पुलिसकर्मी फंसे रहते हैं वहाँ पर खाना सही तरीके से उनको मिल सके, इसके लिए भी ये पूरी तरीके से कवायद पुलिस मुख्यालय के वेलफेयर विंग की तरफ से की गई है। डीजीपी सुधीर सक्सेना का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के परिवार को अभी ध्यान रखना पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि धरती कार्यक्रम के जरिए उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। धरती कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, देखने वाली बात होगी ये जो नई पहल है कितनी कारगर साबित होती है और क्या कुछ परिणाम इसके सामने आते हैं। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया।